पर्चा दे दे, पर्चा करके अंदर ले जा। तब से आप डंडा देखे, कोई एमपी है एमएलए कौन है भैया रोकने वाला? मैं दिल्ली पुलिस से लड़, हम रोज बाइक पे लड़ रहे हैं। अगर लड़ रहे थे वो तो हैनी शर्मा पूछे यार। गड्डियां लगी हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। पंजाब के एमएलए और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को आज दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने रोक लिया और काफ़ी देर तक इस काफले के साथ दिल्ली पुलिस की बहस होती रही और कई बार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से नवजोत सिंह सिद्धू व उसके साथियों ने गिरफ्तार करने या रोकने के रोक के ऑर्डर मांगे तो दिल्ली पुलिस के पास इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश नहीं थे। मात्र मौखिक रूप से नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया था और दिल्ली में जाने से रोका जा रहा था। काफ़ी जदोजहद के बाद फिर दिल्ली पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने दिया है। अट खुदा दा वैर कि सरकार इन्नी घबराउंदी है कि 2-2 लाख बंदियां दा इह सड़क ते आम बंदे नूं जान दे रहे हैं। इन्हां नूं कादा डर है, की लुकाउणा है? इह लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बनाई जांदे है, खूना तंत्र बनाई जांदे है। मतलब एक एक नुमाइंदा धमान साहब खड़े है, राजे वड़ी नूं धक्के मारे है, इन्हां दा तां खौफ है सरकार नूं। हैं ते रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, उसे पंजाबी कहते हैं। थोनू ये लगता भी इकनोमिक ब्लॉकेट ला के पंजाब दे लोगों नू इस तरह जुल्म दा शिकार बना के तुसी पंजाब नू रोक लोगे? अभी तो अहमद शाह अब्दाली तो नहीं दबे, उदों कहिंदे हुंदे सी खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाह दा, ते ये कित्थों दब लैणगे? ना इहनां कोल कोई रिटन ऑर्डर है, ना इहनां दे कोल कोई तस्दीक है, ना सानू ये अरैसट कर रहे हैं, इत्थे खड़ा लिया। लानत है मैं कहना यह जी सरकार को, इट इज़ ए डिक्टेटोरियल कमांड फ्रॉम द सेंटर कि जी पंजाब के एम एल ए अगे दिल्ली ना पहुँचने दिता जाए। वो असं की कर रहे हैं, कोई वायलेंस कर रहे हैं, है की कर रहे हैं? वहीं दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास कोई भी लिखित आदेश नहीं था, फिर हमें क्यों रोका गया? स्वतंत्र भारत में यह हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, कहाँ है दिल्ली सरकार? उन्होंने जमकर वहाँ दिल्ली सरकार को और बीजेपी सरकार को कोसा है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।